गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एलआर मीणा विवेकानंद क्लास ए नीम कथाना में बायोलॉजी का सब्जेक्ट का अध्ययन करवा रहा हूँ। सभी छात्रों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अमाशय में, यानी अमाशय का जो पाचन है, अमाशय की जो संरचना है वो मैंने आपको पढ़ाई थी। चैप्टर अपना चल रहा है 22वां पाचन तंत्र। तो इसमें मैंने आहानाल पढ़ाई थी, आहानाल का जो भाग है अपना अमाशय है। अमाशय के बाद में अपने पढ़ेंगे अब छोटी आंत। आज क्या पढ़ेंगे हम? छोटी आंत पढ़ेंगे। छोटी आंत को हम क्षुदांत्र कहते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बड़ी आंत से अधिक होती है, लेकिन व्यास छोटी आंत का कम होता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 5 मीटर होती है। आहानाल का सबसे छोटा जो भाग होता है, आहानाल का सबसे छोटा जो भाग होता है आपके सामने, वो ग्रसनी था। और उसके बाद में छोटी आंत को हम 3 मीटर में बांटते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर होती है। छोटी आंत में अगर हम पाचन का अवशोषण देखें तो पाचन का अवशोषण या पाचन सबसे अधिक छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसको हम ग्रहणी या ड्यूडेनम। दूसरा जो अपना भाग है उसको हम बोलते हैं अग्र क्षुदांतर, जेजुनम। क्या बोलते हैं इसको? जेजुनम बोलते हैं। और एक भाग को हम एलियम कहते हैं। यानी तीन भाग होते हैं जो छोटी आंत का मतलब है। 3 भागों में बांटते हैं छोटी आंत को, ग्रहणी ड्यूडेनम, अग्र क्षुदांतर जेजुनम और एलियम। ठीक है। इसके बाद देखिए अमाशय के ज्येष्ठ नीचे का जो भाग होता है उसे हम ग्रहणी कहते हैं या ड्यूडेनम कहते हैं। ग्रहणी में भी 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर पाए जाते हैं जिन्हें हम श्लेष्मिका, अधश्लेष्मिका पैसे स्तर और सिरोसा कहते हैं। ये 4 स्तर थे। इसमें सिरोसा, पैसे स्तर, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। पैसे स्तर में अलग अलग प्रकार के स्तर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने है तिर्यक पैसे स्तर, अनुदैर्ध्य पैसे स्तर, ये सारे पैसे स्तर में पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए आपके सामने जो छोटी आंत है उसमें निम्न संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहले आपके सामने है रंसाकुल। क्या नाम है? रंसाकुल। दूसरा होता है सूक्ष्मांकुर। दूसरा कौन सा होता है? सूक्ष्मांकुर। पहला है रंसाकुल जिसको हम विलाई बोलते हैं, इसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये संरचनाएं छोटी आंत या क्षुदांत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद में अगर रंसाकुल हम देखें तो छोटी आंत में अनेक अंगुलीनुमा, यानी अनेक अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं।
इन अंगुलीनुमा उभारों को हम रंसाकुर या विलायी कहते हैं। इसके बाद रंसाकुर के अतिरिक्त छोटी आंत में अनेक छोटे छोटे पर्वत पाए जाते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सूक्ष्मांकुर कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं और रंसाकुर को हम विलाई कहते हैं। इसके बाद छोटी आंत में 1 सेमी व्यास के और लंबाई 8 सेमी के अनेक वलन पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं। ये तीनों भाग आपको छोटी आंत में मिलते हैं। रंसाकुर और माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर और वलन तीनों मिलकर पाचन यानी भोजन का पाचन की जो अवशोषण सतह होती है, पाचन की अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यानी ये तीनों का प्रमुख कार्य क्या हो गया कि ये भोजन के पाचन के अवशोषण सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ा देते हैं। कौन कौन बढ़ा देते हैं? रंसाकुर है, विलाई है, सूक्ष्मांकुर है, माइक्रोविलाई है और इसके साथ में अनेक प्रकार के कुंडलित वलन पाए जाते हैं जो इसके अंदर छोटी आंत के अंदर भोजन के पाचन की अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इसके बाद में छोटी आंत में अनेक छोटी छोटी गर्त पाई जाती हैं। उन गर्तों को हम यहां पर लेबर कुंड, लेबर कोहन गर्तिकाएं कहते हैं। यानी इन गर्तों को हम क्या बोलेंगे? लेबर कोहन गर्तिकाएं कहते हैं। इसके बाद में जो गृहिणी की अधश्लेष्मिका होती है उसके अंदर विशेष प्रकार की कुंडलित ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें ग्रंथियों को हम मुनर ग्रंथियां कहते हैं। उन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? मुनर ग्रंथियां कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे अपन? मुनर ग्रंथियां कहते हैं। तो ये मुनर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे छोटी आंत के, गृहिणी के और अधश्लेष्मिका भाग में पाई जाती है। इसके बाद में गृहिणी के ठीक पीछे का भाग क्या कहलाता है? अधःसूत्रांत्र या जेजुनम कहलाता है। और अधःसूत्रांत्र के बाद में जो अंतिम भाग होता है उसको हम सूत्रांत्र या इलियम कहते हैं। तो ये आपके सामने छोटी आंत था, पाचन और अवशोषण की सतह से सबसे महत्वपूर्ण छोटी आंत होती है। छोटी आंत में विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसको हम इसी रेकिया कोलाई यानी छोटी आंत में इसी रेकिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। यानी ये जीवाणु हमें कहां मिलेगा? छोटी आंत मिलेगा और साथ में ही छोटी आंत में पाचन की क्रिया को ये जीवाणु बढ़ा देता है क्योंकि ये सहजीवी जीवाणु होता है। इसके बाद में छोटी आंत एक विशेष प्रकार की बड़ी आंत में खुलती है जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? बड़ी आंत। यानी छोटी आंत किसमें खुलेगी? बड़ी आंत में खुलेगी। बड़ी आंत को हम वहदांत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वहदांत्र कहते हैं। तो देखिए लंबाई तो किसकी ज्यादा है? 30 की। छोटी आंत की है 3 मीटर लेकिन लंबाई इसकी कम है, 1.5 मीटर है। लेकिन यहाँ पर जो व्यास होता है यानी मोटाई वो छोटी आंत की तुलना में ज्यादा होती है। यानी बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में मोटे व्यास की होती है या बड़ी होती है, लंबाई छोटी आंत की अधिक होती है। इसके बाद में जो बड़ी आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है जिसे हम वेदांत्र या कोलन कहते हैं। इसके बाद में बड़ी आंत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? उन्हें हम याद रखना है। 3 भाग कौन कौन से हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए पहला भाग है इसमें उंडुक। पहला भाग क्या है इसमें? उंडुक है। उंडुक को हमें
सिकम कहते हैं, ठीक है। कुंडू के बाद में जो आपका यानी बढ़िया का जो भाग है उसको हम यहां पर आपके सामने एक भाग को मलासे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मलासे कहते हैं, और एक भाग आपके सामने होता है वह दांत जिसको हम कोलन कहते हैं, कोलन और रक्तम, ठीक है। तो यानी बढ़िया आपको हम तीन भागों में बांटते हैं, कुंडुक या सिकम, वह दांत या कोलन, और इसके बाद में मलासे है रेक्टम। इसके बाद में जो पहला भाग है कुंडुक है वो देखिए आपके सामने कि जब बड़ी आंत होती है तो बड़ी आंत का जो आपके सामने दायां भाग है, दायां भाग से एक एक अंगुली नुमा उभार निकला रहता है इस प्रकार से। इस भाग को हम आपके सामने कुंडुक या सिकम कहते हैं। इस भाग को हम यहां पर एक नाम और देते हैं जिसे हम परिशेषिका, परिशेषिका कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं, जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं इसको। ये एक अवशोषी वेस्टिजियल अंग होता है, इसका शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता है, ये केवल अवशोषी अंग होता है, तो इसको हम कर्मी रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसके बाद में जो कुंडुक है वो जिस संरचना में खुलता है उसे हम वहदांत या कोलन कहते हैं। कोलन के अंदर अनेक सहभोजी जीवाणु पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वहदांत में बड़ी आंत में सहभोजी जीवाणु पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को सरल बनाते हैं। इसके बाद में वहदांत जो भाग है वो एक विशेष प्रकार के अंग में खुलता है जिसे हम मलासे कहते हैं। मलासे में दो अवरोधनियां पाई जाती हैं, इस प्रकार से दो अवरोधनियां पाई जाती हैं। इसके बाद में इसमें तीन टीनी कोलाई नामक संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। जब प्रातःकाल हम 20 mm Hg का दाब लगाते हैं, इतना दाब लगाते हैं भाई मॉर्निंग के टाइम 20 mm Hg मतलब पारे के दाब पर, तो ये आपके सामने 20 mm Hg का दाब लगाते हैं तो ये दोनों अवरोधनियां एक दूसरे से हट जाती हैं और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने मानव की आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे होते हैं, उनका संरचना कैसी होती है वो सारे इसमें आपने पढ़े हैं। तो मलासे की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है भाई, मलासे समझ ही गए होंगे आप। इसके बाद में जो आता है आपके सामने गुदा आता है, आहार नाल एक छोटे सकरे के द्वारा बाहर होती है जिसे हम गुदा कहते हैं। तो ये हमारी मानव की आहार नाल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में जो अपना सेकंड पार्ट था उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पाचन ग्रंथियां, क्या पढ़ते हैं, पाचन ग्रंथियां। तो सेकंड पार्ट जो अपना था वो इसमें था पाचक ग्रंथियां या पाचन ग्रंथियां। तो मानव में पाचन ग्रंथियां मुख्य रूप से तीन होती हैं, एक को हम लार ग्रंथि कहते हैं, सलाइविया ग्लैंड, दूसरी जो ग्रंथि है हमारी उस ग्रंथि को हम यकृत, क्या बोलते हैं उसको, हम यकृत या लीवर कहते हैं, और तीसरी जो होती है हमारी
ग्रंथियों से हम अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाज ग्लैंड कहते हैं। पैंक्रियाज ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियों में तीन ग्रंथि होती है, पहली है लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। तो देखिए सबसे पहले हम लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था इस प्रकार से, यानी जो लार ग्रंथि होती है उनकी संख्या छह या तीन जोड़ी होती है। कितनी होती है? संख्या छह या तीन जोड़ी होती है, जो एक तो करण के ठीक ऊपर पाई जाती है उसे हमें अधिजंबिका क्या बोलते हैं, उसको हमें अधिजंबिका, और एक जो आपके सामने होती है वो नीचे पाई जाती है उसे हमें अधोजंबिका, और एक कर्ण के पास होती है जिसे हम कर्ण पूर्व यानी पैरोटिड कहते हैं। यानी लार ग्रंथि आपने पढ़ी कि जो लार होती है, लार ग्रंथि होती है उसकी संख्या छह होती है, तीन जोड़ी होती है जिन्हें हम इस प्रकार से नाम देते हैं। पहली अधिजंबिका है, दूसरी अधोजंबिका है, तीसरी कर्ण पूर्व या पैरोटिड है। तो अधिजंबिका होती है वो कर्ण के ऊपर पाई जाती है और अधोजंबिका होती है वो कर्ण के नीचे पाई जाती है, और कर्ण से पहले जो पाई जाती है उसको हम कर्ण पूर्व या पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि से मुख्य रूप से लार स्त्रावित किया जाता है। क्या स्त्रावित किया जाता है? लार स्त्रावित किया जाता है। लार जो होता है वो हल्का हल्का अम्लीय हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच 6 से 8 होता है, इसलिए हम बताएंगे कि लार हल्का अम्लीय होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हम जानते हैं कि लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम को हम अल्फा एमाइलेज, इसे एंजाइम को हमें अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। ये जो एंजाइम होता है आपके सामने ये कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के आंशिक पाचन में सहायक है। आंशिक पाचन करता है, ये आंशिक पाचन करता है। कौन सा करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। तो टाइलिन को हम अल्फा एमाइलेज कहते हैं। टाइलिन जो एंजाइम होता है वो आपके सामने स्टार्च एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को किस में बदल देता है? स्टार्च को टाइलिन एंजाइम या अल्फा एंजाइम एक तो माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज या माल्टोस। दूसरा इसमें जो आता है डेक्स्ट्रिन, दूसरा कौन सा आता है इसमें? डेक्स्ट्रिन आता है, डेक्स्ट्रिन। ठीक है, तो देखिए आपके सामने टाइलिन या अल्फा एमाइलेज का कार्य क्या है? स्टार्च या सुगर को माल्टोज में, माल्टोज किस में आएगी? डाइसैकेराइड में, और आपके सामने डेक्स्ट्रिन में बदल देता है। स्टार्च जो होती है आपके सामने वो अपने आप में पॉलीसैकेराइड है, हैं दोनों कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं आपके सामने। फिर यहां पर देखिए एक जो डेक्स्ट्रिन होता है, एक डेक्स्ट्रिन में ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं? तो एक डेक्स्ट्रिन में ग्लूकोज के 3 से 9 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 3 से 9 ग्लूकोज के अणु एक डेक्स्ट्रिन में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए लार जो स्त्रावित हो रही है उस लार में कौन कौन से यौगिक हैं, कौन कौन से एंजाइम? तो देखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसको अल्फा एमाइलेज कहते हैं, दूसरा लाइसोजाइम जीवाणु पाया जाता है, सॉरी एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है,
जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, यानी भोजन में जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य लाइसोजाइम जीवाणु करता है। लार ग्रंथि जब भोजन में मिलती है तो वहां पर एक चिकनी लसलसी द्रव में बदल जाती है, जिसको हमें भोजन को अब हम क्या बोलेंगे, बोलस या निवाला कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोलस या निवाला। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहां पर केवल लार ग्रंथ के अंदर स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। तो देखिए लार ग्रंथि की आप बताएंगे, लार ग्रंथि मुख के अंदर पाई जाती है। लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी या 6 होती है। जो लार ग्रंथि होती है उसे लार स्रावित किया जाता है। लार में टाइनिल एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। इसके अलावा लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद में जो लार है, लार यहाँ पर उसको लुगदी या सलरी बनाने में सहायक होती है। टाइलिन एंजाइम में अल्फा एमाइलेज का कार्य क्या होता है, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करना, यानी शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। माल्टोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है, और इसमें उप उत्पाद बनता है डेक्सट्रिन। एक डेक्सट्रिन में ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं, 3 से 9 अणु होते हैं। तो ये हमारी लार ग्रंथि थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी ग्रंथि बड़ी है, उससे पहले हम पेज यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरी ग्रंथि ले लेते चलो। दूसरी ग्रंथि है आपके सामने यकृत, क्या नाम है, यकृत या लीवर, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, केवल यकृत होती है। तो देखिए यकृत कहाँ होती है, तनुपुट के तनुपट या डायफ्राम, डायफ्राम के दाईं तरफ यकृत स्थित होता है। यकृत की जो संरचना होती है वो पतंगाकार या पतंग नुमा होती है। यकृत का निर्माण 2 पालियों के द्वारा होता है। एक पाली को हम बोलते हैं दाई पाली और एक पाली को हम बोलते हैं बाई पाली। एक को तो क्या बोलते हैं, दाई, और दूसरी को हम क्या बोलते हैं, बाई पाली। देखिए दाई पाली बाई पाली से बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त यकृत में अन्य 2 पालियां और पाई जाती हैं, जिन्हें हम कॉर्डेट और कॉर्डेट कहते हैं। एक तो हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट, और दूसरे के हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट। ये पालियां भी यकृत में पाई जाती हैं। इसके साथ ही यकृत का निर्माण अनेक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऐसी कोशिकाओं को हम यकृत कोशिकाएं बोलते हैं, यकृतीय कोशिकाएं बोलते हैं। इनको हिपेसाइट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें हिपेटोसाइट भी कहा जाता है। यानी यकृत कोशिकाएं यकृत का निर्माण करती हैं। इनकी संख्या बहुत होती है, असंख्य होती है ये। इसके साथ में ही यकृत में विशेष प्रकार की कोटरिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम यकृत की कोटरिकाएं कहते हैं। यकृत का जो वजन होता है वो लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। तो ये यकृत का वजन होता है। इसके बाद में जो यकृत है, लीवर है, वो शरीर का मुख्य अंग होता है। और हमने ये बताया है कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन होती है, यकृत होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यकृत के कार्य कौन कौन से होते हैं। मोस्ट बिंदु है, परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है वार्षिक में। यकृत के कोई 4 कार्य लिखिए, तो आपके सामने यकृत के कार्य, यकृत के कार्य। यकृत एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है, जिसके शरीर में बहुत अनेक कार्य हैं। पहला कार्य हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं पित्त निर्माण,
पहला कार्य इसका प्रमुख कार्य कौन सा है? पीत निर्माण है। पीत निर्माण में आप जानते हो कि यकृत पीत का निर्माण करता है। पीत के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पीत में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, पाचक एंजाइम का अभाव होता है, यानी पीत में पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके बाद में पीत के अंदर एक तो पाए जाते हैं पीत लवण। क्या पाए जाते हैं? पीत लवण पाए जाते हैं। आप पीत लवण देखिए कौन कौन से आपके सामने, सोडियम बाइसोडियम कार्बोनेट, बाइसोडियम कार्बोनेट। दूसरा है टोरोकोलेट, ग्लाइकोलेट, यानी ये तीन पीत लवण होते हैं जो यकृत के अंदर या यकृत बनाने में इनका मददगार होता है। तो देखिए पीत लवण में कौन कौन से पाए जाते हैं? सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, टोरोकोलेट पाया जाता है, ग्लाइकोलेट पाया जाता है। इनको अच्छे ढंग से याद करना है, टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट। इसके अलावा पीत के अंदर अनेक प्रकार के पीत वर्णक भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक प्रकार के पीत वर्णक भी पाए जाते हैं। इनमें से दो पीत वर्णक इस प्रकार से, एक का नाम है बिली रूबिन, एक वर्णक को हम क्या बोलते हैं? बिली रूबिन बोलते हैं, और दूसरे पीत वर्णक को हम बिली वर्डिन बोलते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? बिली वर्डिन कहते हैं। ये दो पीत वर्णक होते हैं, दोनों का ही यहाँ पर भोजन के पाचन में सहायक होते हैं दोनों वर्णक। इसके बाद में देखिए आपके सामने ये जो वर्णक है ये किससे बनते हैं, यानी बिलीरुबिन वर्णक और दूसरा बिलीवर्डिन वर्णक किससे बनते हैं? तो ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। किससे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं, यानी दोनों वर्णक का निर्माण केवल हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। तो इस प्रकार से यकृत का प्रमुख कार्य हो गया पीत निर्माण करना। दूसरा जो कार्य है आपके सामने वह है यूरिया का निर्माण करना, यानी यूरिया का निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है यूरिया निर्माण भी, और ये निर्माण एक चक्र के द्वारा होता है। उस चक्र को हम ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्निथिन चक्र कहते हैं इसको। तो आपके सामने यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। तीसरा जो कार्य है यकृत विभिन्न विटामिन का निर्माण भी करता है, विभिन्न विटामिन का निर्माण भी यकृत करता है। ये आपके सामने विटामिन है, यानी ये तीनों विटामिन जो आपके सामने देखे इनका निर्माण यकृत करता है। चौथा जो कार्य है यकृत भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादन करता है। क्या करता है? रुधिर उत्पादन करता है। आपके सामने कौन करता है? यकृत। लेकिन जैसे ही वयस्क अवस्था हो जाती है तो यहाँ पर रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होने लग जाता है, बोन मैरो में इनका निर्माण होने लग जाता है, आरबीसी में इनका निर्माण होने लग जाता है। इसके बाद में पांचवा जो कार्य है आपके सामने वो पांचवा है आपके सामने हेपरिन प्रोटीन का निर्माण करना, हेपरिन प्रोटीन का निर्माण करना। हेपरिन आपके सामने प्रोटीन है, ये कैसी प्रोटीन है? तो ये प्रोटीन आपके सामने है प्रति स्कंदक। कैसी प्रोटीन है ये? प्रति स्कंदक प्रोटीन है जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकती है, यानी रुधिर को जमने से रोकता है। उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्कंदक। और प्रतिस्कंदक का यहाँ पर उदाहरण है आपके सामने हेपेरिन। हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक प्रोटीन है। अगला जो कार्य है आपके सामने यकृत प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी आपके सामने कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, इसके बाद में जो आपके सामने अगला जो कार्य है वो आता है यहां पर आपके सामने सातवां, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइको
जेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको हमें? ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए मुख्य क्रिया है ये ग्लाइकोजेनेसिस, यानी यकृत का प्रमुख कार्य है ग्लाइकोजेनेसिस करना। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ये क्रिया क्या कहलाएगी आपके सामने? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगी। यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ये जो जन लिखा हुआ है यहां पर कर जेनेसिस लिख दीजिए आप, तो हो जाएगा आपके सामने ग्लाइकोजेनेसिस। इसके बाद में आठवां जो कार्य है वह है, अगर ये क्रिया उल्टी हो जाए, यानी ग्लाइकोजन जब शरीर में शुगर की कमी हो जाती है तो वापिस जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है या ग्लूकोज में बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइको तो कॉमन आएगा ऐसे, कैसे ग्लाइको कहेंगे? आपके सामने जीनो है, ये जीनो हो जाएगा और ये इसको बोलेंगे लाइसिस। क्या बोलेंगे इसको? लाइसिस, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। इसके बाद में जो अगला कार्य है, अगर मान लीजिए शरीर के अंदर, एक तो मान लीजिए आपके सामने एमिनो अम्ल हो, क्या हो? एमिनो अम्ल, और दूसरा आपके सामने शुगर हो, अगर ये दोनों मिलकर इसमें बदल जाए, ग्लूकोज में बदल जाए, सॉरी ग्लाइकोजन में बदल जाए दोनों, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो इस क्रिया को हम ये कहेंगे, ऊपर कैसे कैसे आ जाएगा, ग्लाइको तो इन तीनों ही क्रियाओं में कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने नियोजेनेसिस। क्या जाएगा? नियोजेनेसिस आ जाएगा आपके सामने। तो इस प्रकार से यकृत हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। तो देखिए दोबारा देखिए इनको, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या अंतर है? अंतर आ सकता है इनमें? तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है तो इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जब ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदल जाता है तो इस क्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। जब शरीर में एमिनो अम्ल या शुगर ग्लाइकोजन में बदल जाती है तो इस क्रिया को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें नियो आ रहा है, इसमें लाइसिस आ रहा है, इसमें सिस आ रहा है, ये सारे कार्य यकृत के हैं। इस प्रकार से आपके सामने यकृत के कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। धन्यवाद।